Namaskar, very warm welcome to all our viewers and learners in this live phone in session of CIT and CIT named webinar. I am Renu Bhatt with you all and you are watching us live on eVidya channel, channel number 6 and

स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं चाहे हम बात करें मैथमेटिक्स की या फिर इंग्लिश की आपको बताया जाएगा हमारे विशेषज्ञ द्वारा हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लेट्स मीट हर यू आर मिस मोनिका चौरसिया यू आर एकेडमिक सी आई टी एन सी आर टी वेरी थैंक यू और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें कुछ बहुत ज़रूरी बातें हम अपने सभी व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि अगर आपके मन में, में कोई भी क्वेरी आए आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन ईदर यू कैन ड्रॉप मेल एट आर ई मेल एड्रेस इज़

India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudha Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's get back to the session. We talk enhanced maths and English. स्किल्स थ्रू आई एक्सल और हम अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे यानी कि मोनिका जी के पास जाएंगे मोनिका जी हम आपसे जानना चाहेंगे हम आई एक्सएल की बात कर रहे हैं डेफिनेटली पूरा घंटा हम आपसे ढेर सारी बातें जानेंगे इस पर्टिकुलर टूल के बारे में तो बॉट एग्जैक्टली दिस आई एक्सएल टूल इज़ और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे सभी व्यूवर्स को uh, जैसा कि मैम बता रहे हैं कि आई एक्सएल जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है uh, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ थैंक यू मैम एंड नमस्ते आई एल uh, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं हमारी जो एन ई पी है वो हमारी एन ई पी हमें बोल रही है कि हम बच्चों को रोड लर्निंग जो बच्चे रोड लर्निंग करते हैं उन्हें याद नहीं रहता रोड लर्निंग के थ्रू वो क्या करते हैं अपनी जो नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा एनहेंस नहीं कर पाते तो ये जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसमें क्या है कि ये लर्निंग प्लेटफॉर्म हमारे को एक बच्चे को उसकी लर्निंग को एनहेंस करने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है जिसमें हम ऑडियो एंड विजुअल दोनों के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पास पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं बच्चे को अगर हमें फूल दिखाना है तो हम बच्चे को फूल के थ्रू भी उसमें हम दिखा सकते हैं इसमें ऑडियो भी है जिसमें कि ऑडियो के अकॉर्डिंग हम बच्चे को लर्न करा सकते हैं जी तो एक लर्निंग टूल है जिसमें हम ऑडियो और वीडियो दोनों तरह से बच्चे जो है वो सीख सकते हैं या बिल्कुल मैम और इसमें ये, इस हम, मतलब ये हमारे लिए फ्री अवेलेबल है इसमें हम दस क्वेश्चन डेली के हम दस क्वेश्चन कर सकते हैं और इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए सिर्फ हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए चाहे हमारे पास मोबाइल हो हम कहीं पे भी इसे ब्राउजिंग कर सकते हैं सो so, शुरू करते हैं या। yeah. ओके okay, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो एन है वो हमें बोलती है कि हमारी जो ऑर्डर टेस्ट की जो हायर ऑर्डर स्किल्स होती है वो किस पे बेस्ड होती है बेसिकली हमारी बेस्ड होती है क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड ब्लैंडिंग लर्निंग जिसमें कि हम एक लर्निंग प्ले लर्निंग जो है हम ऑनलाइन लर्निंग और हमारी जो क्लासरूम क्लासरूम लर्निंग है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपनी जो लर्निंग है उसे और एनहेंस कर सकते हैं सो so, ना सिक्के हम अगर बात करें आई की आई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम के जी टू ट्वेल्व क्लास ट्वेल्व तक की मैथ साइंस सब चीज़ों को हम इसमें लर्न कर सकते हैं इसके फीचर्स में इसमें हमें गेम मिलेंगे जिसके थ्रू हम लर्न कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है और हम उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो एक हमारे पास सिमिलर एक एग्जांपल भी अवेलेबल होता है जिसमें कि हम उस एग्जांपल के थ्रू पहले अपनी जो लर्निंग है उसे मेमोराइज कर सकते हैं एंड देन उसके थ्रू हम उसे वापस लर्न कर सकते हैं एंड देन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास सजेस्टेड स्किल्स होती है कि जिसमें कि हम क्या करेंगे जो हमारी स्किल्स है जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग वो हमें अगर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारे को लेवल के अकॉर्डिंग ईजी टू हार्ड तक हमारे को क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग हमारे को सजेस्ट करता है यहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल है अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप वीडियो के थ्रू भी इजीली समझ सकते हैं और वही जो जंप लेवल मतलब कि अगर हमें हम अपने कोई भी क्वेश्चन को ईजी टू हार्ड के अकॉर्डिंग जाना है तो इससे हम ईजिली जा सकते हैं इधर हम देखेंगे कि रियल टाइम डायग्नोस्टिक मतलब कि इधर जो है हमारा जो रियल टाइम मतलब कि जब हमने ये स्टार्ट किया यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो रियल टाइम में जो हमारे क्वेश्चन हैं जो हमारा अपडेट है कि हमारा क्या लेवल हुआ है या हमने कितना स्कोर किया है ये आप हमें रियल टाइम पर मिलता जाएगा अब हम बात करते हैं कि हमें ये क्यों पढ़ने की ज़रूरत है जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको कि इंटरेक्टिव लर्निंग है ड्रैग एंड ड्रॉप प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आपको अलॉट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप बहुत ही इनोवेटिव वे में आप इसको लर्न कर सकते हैं इसमें बहुत मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं हैंड राइटिंग दैट मीन्स कि अगर अगर हमें कोई क्वेश्चन हमें किसी का सॉल्यूशन लिखना है तो हम उसमें इजीली हम अपने स्क्रीन पर आ, हाथ से अपने हाथ से कोई भी आंसर लिख के हम उसे सबमिट कर सकते हैं सॉल्व योर प्रॉब्लम मतलब अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे अपनी स्क्रीन पर ही वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होते हैं पैन इरेजर तो एंड हाइलाइटर आल्सो तो हम वहाँ पर इजीली हम क्या कर सकते हैं अपने हाथ से उस पैन के थ्रू हम वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं इसके लिए हमें ना तो कोई अनदर पेपर की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की जो हमारा आई एक्स है ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमारे को क्वेश्चन देता है कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको लर्न कर सकते हैं अपने सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट राइट लेवल ऑफ डिफिकल्टी दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी आ, हमारे पास क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारे को एडजस्ट कर देता है कि हमारे को किस लेवल के बाद कौन से लेवल की एक्टिविटी या कौन से लेवल का हमारे पास क्वेश्चन आना चाहिए वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम पिक्चर के थ्रू या किसी एक्टिविटी के थ्रू हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस की प्रैक्टिस इन एंड नाउ नेक्स्ट बिल्ड आर फाउंडेशनल नॉलेज टू अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसके थ्रू अगर हमारे पास जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि इधर अगर हमारे पास अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास आ, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम उसे सॉल्व कर सकते हैं ना आई एच एल जो है वो चार कोर सब्जेक्ट्स को कवर करता है जैसे कि आप देख रहे हैं मैथ्स साइंस सोशल साइंस एंड इंग्लिश यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस तो आपको के जी टू ट्वेल्व क्लास तक के लिए मिल जाएगा बट सोशल साइंस सोशल साइंस एंड साइंस आपको के जी टू एट्थ क्लास तक के लिए मिलेगा तो बेसिकली हमारा एन ई पी के अकॉर्डिंग जो आई एल है वो आ, हायर क्लास को कवर करते हैं और जो साइंस एंड सोशल साइंस है ये हमारी एलिमेंट्री क्लास को कवर करता है मैथ्स जो है मैथ्स में हमारी काउंटिंग से लेके पिक्चर ग्राफिंग एंड प्लॉटिंग सारी चीज़ को कवर करता है जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे पिक्चर के थ्रू जैसे अब हमें सिमेट्री पढ़ानी है बच्चों को तो हमें अब ना तो ड्रॉ करने की जरूरत है ना कुछ हम इसमें ईजिली हम पिक्चर के थ्रू भी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं या बच्चे खुद ही अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में इसमें हमारे पास हम स्क्रीन पे ही खुद ही पेन यूज करके अपनी फिंगर टिप्स से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश में हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन होते हैं एंड यहाँ पर हमारी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल दोनों एनहेंस होती है बिल्ड होती है और इसमें हमारे पास मतलब इंग्लिश में हमारे पास मतलब मार्कर अवेलेबल है अगर हमें कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है या कुछ तो हम उसे मार्क कर सकते हैं सोशल साइंस एंड साइंस में के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और हम इसे अपने वर्ड में आ, वर्ड से कनेक्ट करके हम इसकी लर्निंग कर सकते हैं बच्चे को इसमें पता होता है कि अगर हमें बच्चे को सेल पढ़ाना है या बच्चे को सेल पढ़ना है तो वो उस सेल के डायग्राम से इजीली ड्रैप्स कर सकता है अपने नॉलेज को यहाँ पर एक बोनस पॉइंट भी ये है कि अगर किसी को स्पेनिश लैंग्वेज अब सीखनी है तो इसके थ्रू यहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज हम कवर कर सकते हैं Uh, इसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं चिल्ड्रंस uh, को अपने अचीवमेंट के लिए और uh, उनके क्वेश्चंस उनके नेम के साथ जिससे कि उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने और ज़्यादा अच्छे से अपनी लर्निंग कर ले एंड आई एच एल जो है वो एक ऐप भी uh, है जिसमें हम अपनी नॉलेज को कभी भी कहीं पर भी अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं ये हमारी जो ऐप है ये एंड्रॉइड आईओएस एंड किंडल ऐप पर भी चल सकती है और इसके लिए हमारे पास फोन एंड टैबलेट अगर हमारे पास दोनों है तो हम उन पे भी जैसे आप देख रहे हैं टैबलेट में भी इधर लिख के भी हम अपनी एक्टिविटी को या अपने आंसर को हम सबमिट कर सकते हैं थैंक यू चलिए तो ये तो बात हुई प्रेजेंटेशन के थ्रू हम जान रहे थे आई एक्स के बारे में और हमने काफ़ी कुछ जाना आपसे मोनिका अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इसका डिमॉन्सट्रेशन पार्ट है वो भी आप बताएं हमारे सभी व्यूवर्स को ताकि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली यह आई एक्सएल टूल क्या है और किस तरह से इसे सभी बच्चे यूज़ कर सकते हैं बच्चों आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे कुछ क्वेश्चन कि अगर आई एक्सल अगर आप यूज़ करेंगे या करना चाहते हैं तो किस किस तरह से काम करता है क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके और क्या जैसे मोनिका जी ने बताया कि इसमें आप 10 क्वेश्चन रोज के कर सकते हैं तो इज दैट अ लिमिट फॉर तो ये सब आपको बताया जाएगा इसके लिए आपको जो अभी मोनिका जी हमारी एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करना है वो बड़े ध्यान से देखना है और इसके बाद अपनी क्वेरीज आपको अप हम तक पहुँचानी है और क्वेरीज हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे लेकिन अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू किया जाएकोर्स या हमें सिर्फ इसमें टाइप करना है आई एच एंड एंटर यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट आ रहा है दिस वन हमें सिर्फ यहीं पर जाकर इसे ओपन करना है देन ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा hmm. यहाँ पर हमारे पास लर्निंग में जाएंगे तो हमारे पास मैथ्स इंग्लिश इस टाइप के हमारे पास अवेलेबल हैं कंटेंट तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हमारे पास क्लासेस एंड टॉपिक हम किसी भी अकॉर्डिंग इन्हें समझ सकते हैं अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर हम किंडर गार्डन और इनकी बात करें तो हम इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास इतनी स्किल्स है इतने टाइप के क्वेश्चन हैं हम इन्हें कर सकते हैं एंड अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में भी हमारे पास टॉपिक वाइज अगर हम जाएंगे तो टॉपिक वाइज जैसे कि अगर मेरे को एडिशन सीखना है एडिशन के इसमें लेवल्स हैं अगर हम इसमें फर्स्ट मतलब लेवल के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस हैं जिसके अकॉर्डिंग जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोटे बच्चों के लिए एंड देन बड़े होते होते ये आप हमारे पास हायर लेवल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ये आ जाएंगे जैसे कि टू टू डिजिट का सम एंड फोर डिजिट का एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं एडिशन वाले वो भी हमें देखने को मिलेंगे और इसमें फिर हमारे पास अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास सेम वही प्रोसीजर है हमारे पास क्लास बेस्ड क्वेश्चंस है एंड टॉपिक बेस्ड क्लास बेस्ड में हमारे पास वही सेम के जी टू ट्वेल्व कंटेंट अवेलेबल है एंड टॉपिक वाइज में हमारे पास जैसे कि अगर हमें एडजेक्टिव पढ़नी है एडवर्ब पढ़नी है तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन हम देख सकते हैं नाउन पढ़ना है फोनिक्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस प्रोन सॉरी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड सेम ये के जी टू ट्वेल्व है एंड इसमें हम साइंस में जाते हैं तो साइंस में हमारे पास के जी टू एट तक का कंटेंट अवेलेबल है सेम वही हमारे पास दो टाइप से अवेलेबल हैं कि अगर हमें क्लास वाइज पढ़ना है तो और अगर हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है तो हम अपनी स्किल्स को चेक कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास साइंस में बायोलॉजी केमिस्ट्री अर्थ साइंस इस टाइप के हमारे पास फिजिक्स एंड यूनिट एंड मेजरमेंट हम हर एक में अपनी स्किल्स को तो टेस्ट कर सकते हैं सोशल साइंस में सेम ग्रेड ग्रेड हमारी इसमें के जी टू एर्थ है एंड टॉपिक वाइज हम अपनी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे कि हम इस्पेनिश में हम बाद में आएंगे फर्स्ट हम चलते हैं मैथ्स पे मैथ्स में जैसे कि अगर हम में करना है एल्जेब्रा तो एल्जेब्रा में हम करते हैं प्लस सिंपल तो यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखा है अब है नाइन आर प्लस फाइव आर अब इन दोनों को मेरे को सिंप्लीफाई करना है अब बेसिकली अब मैं अगर भूल रही हूँ मेरे पास कॉन्टेंट मेरे पास मेरे को याद नहीं है तो यहाँ पर यहां ये जो लर्न विद एन एग्जाम्पल है इसके थ्रू हम लर्न कर सकते हैं लर्न विद एन एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें कि हमें क्या करना है यहाँ पर पैटर्न को एक बार रिकॉल कर लेना है जैसे कि यहाँ पर है टू वी प्लस फोर वी इसे हमें सिंपलीफाई करना है तो इसमें हम सिंपल हमारे पास स्टेप वाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपनी रिकॉल कर सके अपनी जो भी हमारी मेमोरी है उसे रिकॉल कर सके तो जैसा इसमें लिखा है कि हमारे पास टू एंड फोर ये ब्लू कलर में है तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे को सिर्फ कोफिशेंट को प्लस एड करना है बिकॉज हमारे जो वेरिएबल हैं वो हमारे सेम है तो इसमें हमारे पास टू एंड फोर एड करेंगे तो सिट्स आएगा सेम हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे बैक टू प्रैक्टिस एंड यहाँ पर फा नाइन आर प्लस फाइव आर विच इज़ इक्वल टू अब अगर मेरे को सॉल्व करना है मुझे नहीं मालूम नाइन एंड फाइव तो इधर आप देखेंगे हमारे पास पेंसिल या पेन हमारे पास अवेलेबल है ये दो कलर में अवेलेबल है ब्लैक एंड रेड इधर हमारे पास हाइलाइटर है जिससे कि मैं देखो यहाँ पर मार्क कर देती हूँ नाइन एंड फाइव कि हमें सिर्फ नाइन एंड फाइव को ही प्लस करना है अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मैं इसे रिमूव भी कर सकती हूँ बाय एन इरेजर तो चलिए अब प्लस करते हैं यहां पर हम इजिली अपने हाथ से लिख के भी प्लस कर सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है नाइन प्लस फाइव विच इज इक्वल टू हमारा होता है फोर्टीन तो हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे फोर्टीन आर एंड सबमिट सो अगर आपके क्वेश्चन सही है आपने जो भी आंसर दिया है वो सही है तो आपके पास वेल्डन well या आपके कोई भी एक आपको ग्रीट मिलके आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग हायर लेवल का आपके पास आ जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया जस्ट लाइक दिस अगर इसमें हमारे पास है एट के माइनस नाइन के प्लस सेवन के अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसके अकॉर्डिंग मेरा होता है एट प्लस सेवन विच इज फिफ्टीन एंड फिफ्टीन माइनस नाइन गलती कर दी यहाँ पर मैं वन भूल जाऊं और मैं सिर्फ फाइव माइनस नाइन करू तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हमारा आ जाएगा अगर मैं फाइव भूल जाऊं और फाइव माइनस वन भूल के फाइव माइनस नाइन करती हूँ तो मेरा आंसर आता है माइनस फोर तो अब जैसे माइनस फोर है बट ये मैंने गलत किया है और अगर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ माइनस फोर के एंड सबमिट करती हूँ तो ये हमारे को एक हमें बताएगा कि हमारा आंसर गलत है और हमारे पास इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी देगा कि हमारा आंसर गलत है हम इसे इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं और हमने जहाँ पर गलती की है वो हमें ये बताएगा तो इसी टाइप से अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में हमारे पास सेम अब इंग्लिश में मैं अगर फर्स्ट क्लास या किंडर गार्डन की बात करूँ तो इंग्लिश में हमारे पास साउंड के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जैसे लाइक दिस। like अब इसमें क्या है हमारे को हमारे पास क्वेश्चन है लिसन टू ईच वर्ड विच वर्ड हैज दी शॉर्ट आ साउंड अब हम यहाँ पे साउंड प्ले करतेज दउंड ओके okay, तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन भी अवेलेबल है कि अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या हमारे को सुनने में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो हम इसमें क्वेश्चन को प्ले करके भी सुन सकते हैं एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो है ये इन दोनों में बताएगा कि इन दोनों में कौन से में ए साउंड आ रहा है हमें वो रेकग्नाइज करना है Ten. Ten. अब इसमें हमारे पास किस में ए साउंड आया है तो वो हमें बताना है जैसे कि इसमें टैन और इसमें टैन आया है तो हम अगर इससे सबमिट करते हैं अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो ठीक है हम आगे बढ़ेंगे और अगर हमारा क्वेश्चन गलत है तो सेम हम हमारे को ये क्वेश्चन uh, का एक एग्जाम्पल uh, दे हमें स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेनेशन आएगी कि हम इसे कैसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते है अपनी this, हैं अपनी लर्निंग को अकॉर्डिंग टू दिस अब हम चलते हैं साइंस पे साइंस में सेम वही के जी टू एट तक का हमारे पास कॉन्टेंट अवेलेबल है तो साइंस में अगर मैं कोई भी एक टॉपिक ले लूँ वाटर ऑन अर्थ साइंस uh, में हम टॉपिक वाइज भी देख लेते हैं जी अब जैसे हमारे पास अर्थ साइंस में हम देख लेते हैं क्लासिफाई रॉक एंड मिनरल तो क्लासिफाई रॉक एंड मिनरल में हमारे पास चार क्वेश्चंस हैं तो इधर हमारे को बताना है सिलेक्ट लाइट ग्रे रॉक लाइट ग्रे रॉक हमारे पास वैसे तो ये है अगर हम इसे गलत भी करते हैं तो ये हमें एक सॉरी <coughs> इसमें हमें एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी हम लर्न कर सकते हैं सी दिस इज अ लाइट ग्रे रॉक एंड दिस इज अ रॉक इज ब्राउन तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारी हम अपने क्वेश्चंस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं नाउ एज सिमलर हम अगर सोशल साइंस की बात करें सेम वही सोशल साइंस में भी हमारे पास टॉपिक एंड ग्रेड के अकॉर्डिंग कंटेंट अवेलेबल है इसमें हमारे पास अगर हम इसमें पढ़ें सोशल स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे पास हम इसमें ले लेते हैं ओरिजिन ऑफ हिंदुजियम देन क्वेश्चन स्टार्ट फॉलोइंग टाइम लाइन शोज अप्रोक्सीमेट डेट वेन सेवरल वर्ल्ड रिलीजियन बिगेन लुक एट द टाइम लाइन और अब हमें इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है सिलेक्ट दी टू दैट अप्लाई मतलब दो क्वेश्चन दो आंसर भी इसमें अवेलेबल हैं तो हम इसमें आ, कोई भी दो सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन सबमिट सेम वही अगर हमारे पास हमारे क्वेश्चंस का आंसर गलत है तो हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस अवेलेबल है नाउ, अब हम बात कर लेते हैं स्पैनिश स्पेनिश एक यूनिक लैंग्वेज है मेरे को तो नहीं आती बट हाँ इसके थ्रू हम इसमें लर्न कर सकते हैं इसमें जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है स्पेनिश अल्फ़ाबेट तो अब मेरे को तो अल्फाबेट नहीं आते एंड अगर मैं लर्न करने की कोशिश करूँ तो मैं इसके थ्रू थोड़ा सा लिटिल uh, बिट याद कर सकती हूँ इसमें है लिसन टू दी नेम ऑफ दिश ले विच लेटर डू यू हियर चलो सुन लेते हैं कि क्या बोल रहा है दे। इसने बोला है दे अब मुझे नहीं मालूम दे कौन सा वर्ड है मे बी आर होगा चलो पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे देख लेते हैं तो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे इसमें वही सेम हमारे पास क्वेश्चन है इसका एक साउंड है तो इसमें हमारे पास की आइडिया के लिए हर एक अल्फाबेट को हम कैसे प्रोनाशिएट करेंगे ये भी हमारे पास अवेलेबल है तो दे जैसे कि हम मैं देख पा रही हूँ डी सेम डी को दे बोलेंगे ऐसे हम कोई भी अल्फाबेट को इसमें साउंड और प्ले करके हम इसे देख सकते तो आई को ई जस्ट लाइक ऐसे ही हम अगर किसी की भी बात करें एल को देख लेते हैं एल को कैसे प्रेनंशिएट करेंगे तो सेम एल ए तो वही सेम हम इसमें अपनी जो नॉलेज है हमें अगर कोई स्पेनिश एक अदर लैंग्वेज है जो हमें अगर सीखनी हो तो हम इसके थ्रू थोड़ा सा लिटिल बिट हम सीख भी सकते हैं तो जैसे ही इसमें था दे वो था डी सो हम हाँ, मार्क करते हैं डी एंड सबमिट उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग इसमें लिखा है कि हाँ डी को हम ये बोलेंगे एंड वेल्डन या जो भी हमारे पास आया सेम अगर मैं डेज ऑफ वीक की बात करूं तो इसमें इन्होंने बोला है कि पुट द करेक्ट टाइटल एंड अरेंज अब मुझे नहीं पता इसमें से मंडे कौन सा है ट्यूसडे कौन सा है तो सेम वही लर्न करेंगे हम विद एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो में सेम हम देखेंगे मंडे और इन सबको कैसे प्रोनाशिएट करते हैं उसके सिमिलर हम अपने वाले क्वेश्चन के जो प्रेक्ट ऑर्डर है उसे अरेंज करेंगे दिस इज कॉल्ड हम मंडे ट्यूजडे वेटनसडे सिमिलरली हम यहाँ पर संडे तक का भी रिवाइज कर सकते हैं पढ़ सकते हैं अपने को थोड़ा सा और एडवांस लेवल की लर्निंग ग्रैप कर सकते हैं सेम अकॉर्डिंग टू दिस हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे आई डोंट नो क्या है इसका आंसर सो सबमिट एंड दिस वन सबमिट इनकम्प्लीट आंसर गो बैक ओके, सो अगेन मुझे नहीं मालूम क्योंकि मुझे इतनी जल्दी याद नहीं हुआ है बट हाँ अगर हमें याद करना है तो हम यहाँ पर इस स्किल के थ्रू हम अपनी एक अलग लैंग्वेज को भी अपनी आ, उसे ग्रैप कर सकते हैं जैसे कि हम इधर बात करें इंट्रोडक्शन की अब हम अगर इंट्रोड्यूस करना चाहें या कुछ हम वो कैसे करेंगे एज आ इस्पेनिश लैंग्वेज तो हम इसमें यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अगेन हम वही लर्न विद एन एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल है कि माय नेम इज को हम कैसे बोलेंगे और उसके लिए कौन से वर्ड यूज होंगे तो आई थिंक कि ये हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हाँ जिसमें हम एक नई लैंग्वेज को भी आ, याद कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं और उसे रिवाइज भी यहाँ पर आप अगर हमें यहाँ पर मंथ्स और डेज भी और वन टू थ्री या ये भी हमें याद करने हैं या लर्न करने हैं तो हम इसके थ्रू बहुत इजीली अगर हमें क्वेश्चंस की लिमिटेशंस है टेन तो हम इसमें लर्न विद एन एग्जांपल में जाकर हम इसको सिंपली लर्न कर सकते हैं कि वन को हमें क्या बोलना है और हमारे पास ये और बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पर हम सिर्फ सुन के उन चीज़ों को बोलने और प्रनंशिएशन के लिए हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं सो so, अगेन मैं मैथ्स में जाऊँगी एंड मैथ्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके एंड देन उसमें हाईलाइटर यूज़ करके वो देखते हैं यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज हमारे पास यहाँ पर ग्राफ के लिए भी है ऑप्शन कि अगर हमें ग्राफ या हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें हमें देखनी है और ग्राफ भी हमें अगर प्लॉट करना है तो यहाँ पर बहुत इजीली हम अपने लिए आ, हम नंबर लाइन और ये सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं रिकॉल कर सकते हैं अब जैसे यहाँ पर लिखा है टाइप दी मिसिंग नंबर मेरे को नहीं मालूम कि इधर क्या आएगा तो हम इधर आ, कुछ अगर गलत भी लिखते हैं तो भी सही है अगर मेरे को याद नहीं है कि हमारी जो नंबर लाइन है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है तो हम इधर एक एग्जांपल के थ्रू भी हम देख सकते हैं तो अपनी प्रैक्टिस को हमें एनहेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और विद एन एग्जाम्पल के थ्रू हम इसमें बहुत ईजी वे में अपना कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेंट भी अवेलेबल है अगर हमें कुछ प्लान करना है इसके अब हमारे पास अगर हमें कोई लेसन चाहिए हो या कुछ तो वो भी हमारे पास यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल है यहाँ पर अब अगर हम इंग्लिश में जाते हैं इंग्लिश में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है कि अगर हमें बच्चों को याद करानी है या बच्चों को हमें ये बताना है कि जैसे ये फॉर्म ऑफ द रेगुलर तो हम इसके थ्रू बच्चों को लर्न करवा सकते हैं और बच्चे इसमें बहुत अच्छे से इंगेज भी हो सकते हैं और इसके लिए कुछ ज़्यादा कोई हमारे पास अगर हम ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहें तो हम इजीली इसे गूगल पे सर्च करके इजीली बच्चे इस पर अपना हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम फोन चलाते ही हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं आप बच्चों को इजीली वे में और इनोवेटिव वे में हम बच्चों को यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है और हम इससे इजीली करवा सकते हैं बच्चों को लर्न तो जैसे कि यहाँ पर है लर्न विद एन एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता है जो कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है या उसे सुनने में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो यहाँ पर हमारे पास साउंड का भी ऑप्शन है Complete the sentence with the correct plural. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें काफी सारी चीजें हैं और मैं एक बार ग्राफ वाला आपको और दिखा देती हूँ कि हम इसमें ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हम चलते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज में हमारे पास है ग्राफ, ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन अब हमारे को आइडेंटिफाई करनी है इक्वेशन सो so, अगर हमें नहीं मालूम कि ये कौन सी है लीनियर है या नॉन लीनियर इक्वेशन है तो हम इसके लिए हमारे पास सिंपल सा ऑप्शन है कि हमें यहाँ से जाना है विद एन एग्ज़ाम्पल लर्न विद एन एग्जाम्पल यहाँ पे जाके हमें इसे लर्न करना है कि लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है यहाँ से हम जाके इसकी थ्योरम्स भी है कि अगर ओ सॉरी इसके डेफिनेशन भी है कि लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन हमारे क्या होते हैं इसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो मेमोरी है उसे रिकॉल कर सकते हैं एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ग्राफ है या जो क्वेश्चन है उसको हम रिकगनाइज कर सकते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या होगा बैक टू दी प्रैक्टिस एंड अगेन दिस वन इज़ तो वही सेम जो प्लेन है एंड देन दिस वन इज अ नॉन लीनियर सबमिट और अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास सेम इसी टॉपिक के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे बट हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा ओके okay, नाउ और इसमें एक और चीज है कि अगर हमारे पास जैसे कि हम इसे जब ओपन करेंगे हम इस जैसे हम आ, इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास इसमें ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर जैसे इसे ओपन करेंगे ना तो हमारे पास इंडिया सिलेक्ट होके आता है बट अगर हम इसे इंडिया से यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया सिलेक्ट हो के आता है अगर हम इस इंडिया से यहाँ पर यू या कोई और हम कंट्री चूज करते हैं तो हमारे पास लर्निंग के ऑप्शंस चार बढ़ जाते हैं मैथ्स लैंग्वेज इंग्लिश साइंस एंड सोशल साइंस एंड स्पेनिश बट अगर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ मैथ्स इंडिया का फ्लैग रहता है या इंडिया की कंट्री को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही अवेलेबल हैं मैथ्स एंड इंग्लिश तो हम यहाँ से जाके अपना सोशल साइंस साइंस सोशल स्टडी एंड साइंस एंड स्पेनिश इन तीनों को भी लर्न कर सकते हैं एंड uh, इधर हमारे पास हमारे पास प्लान भी होता है लेसन भी होते हैं कि अगर हमारे को लर्न करना है तो हम अपने क्वेश्चन चैप्टर्स को हमारे पास जैसे यहाँ पर है लर्न लेसन तो हम लेसन वाइज भी अगर मेरे को कुछ भूल गया है या मेरे को कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है तो हम इधर अपने कॉन्सेप्ट को लेसन के थ्रू भी याद कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है डेसिमल अब डेसिमल को कैसे प्रेजेंट करते हैं व्हाट इज़ अ डेसिमल तो ये सारा कंटेंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है एंड यहाँ पर प्लस पॉइंट एक ये भी है कि हम इसे एज अ पीडीएफ फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं तो यहाँ पे जाके हमारे पास प्रिंट दिस लेसन हम इसे डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं फर्दर uh, लर्निंग के लिए एंड यहाँ पर जैसे हम देखे थे अवार्ड तो अवार्ड के लिए हमारे पास हमारे ये जो हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सिंबल्स आते हैं वेट लर्न टू काउंट पर हमारे पास टाइम लाइन भी होता है यहाँ पे हमारा टाइमर चलता रहता है एंड यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चन किया उनके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन का स्कोर भी आता रहता है और इसमें जब हमारे हंड्रेड तक के लिए हमारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं क्वेश्चन के आंसर अगर हमारा यहाँ पे स्कोर हंड्रेड हो जाता है तो हमारे पास एक आ, हमारा ये वाला जो है टॉपिक ये हमने पूरा कवर कर लिया है एंड देन इसके बाद हमारे पास अवार्ड में हमें इस टाइप का सर्टिफिकेट भी मिलता है जिससे कि बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वो उसने कुछ अचीव किया है तो आई थिंक कि ये हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हाँ हम बच्चों को मतलब प्रैक्टिस करा सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम साइंस में और सोशल साइंस में अगर मैं जोग्राफ़ी की बात करूँ या साइंस में तो इसमें हम एज़ अ टॉपिक हम अगर बायो पढ़ते हैं तो बायो में हमारे पास इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई प्लांट पार्ट तो प्लांट के पार्ट के लिए आइडेंटिफाई के लिए हमारे पास यहाँ पर पिक्चर्स आ जाती है जिससे कि बच्चा इज़िली अब इधर लिखा है सिलेक्ट दैम्प तो अगर हमें स्टैम्प और ये सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए हमारे पास हम इसे साउंड के थ्रू बच्चे को पढ़ना है या बच्चा नहीं सुन रहा है या बच्चे को आ, सुन के बहुत अच्छे हम यहाँ पर काफी सारे इंटीग्रेटेड चीजों को भी हम करते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके भी हम पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास या जैसे इसने क्वेश्चन किया अब सिलेक्ट करना है स्टैम्प को तो मुझे नहीं पता सिलेक्ट स्टैम्प आई थिंक एक्चुअली स्टैम्प है एंड आई विल सब्मिट दिस तो ये हमें बताएगा कि आपका जो क्वेश्चन आपने अटैम्प किया है जो आंसर आपने दिया है वो गलत है और स्टैम्प को हाईलाइट करके ये करेक्ट आंसर भी बताएगा जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपनी जो नॉलेज uh, है उसे हम एट प्रेजेंट टाइम पर ही हम करेक्ट कर पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास अच्छे से एक आ जाता है आंसर का एक्सप्लेनेशन एंड यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि यू आंसर्ड दिस वन रेड चिली जो कि हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर है दिस द करेक्ट आंसर इज दिस तो स्टैम्प हमारे पास यहाँ पर हाईलाइटेड है और ये सारी चीजें हमारे पास अनहाइलाइटेड हाईलाइटेड हैं सो ऐसे ही हम इंग्लिश में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सुन के और देख के हम याद कर सकते हैं अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं बुक स्टडी या इन में हम क्या करते हैं हमारे पास जो भी पैसेज है या कुछ है तो हम इसमें हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं लाइक like दिस अगर मुझे हाइलाइटर यूज़ करना है तो यहाँ पर जाके दिस ब्लू बटन एंड हाईलाइट दिस तो हम इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं अगर मुझे कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है या कुछ ऐसी चीज़ है तो हम यहाँ पर हाईलाइट करके उसको बाद में गूगल कर सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं टीचर से पूछ सकते हैं या अपने किसी भी गार्जियन से पूछ सकते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी तक तो यही है कि हाँ हम साइंस इसमें साइंस एंड सोशल साइंस हम इसमें एट uh, तक की है बट होप सो कि और आगे भी आए एंड uh, हाँ इसमें एक ड्रॉबैक ये जरूर है कि हाँ ये इंडिया के लिए है बट हाँ हिंदी लैंग्वेज इसमें नहीं है hmm. तो just this. जी और मैं भी आपसे यही जानना चाह रही थी कि अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें क्लासेस की बात करें तो इसमें केजी से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है yes, मैं. और तो अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्या सभी सब्जेक्ट्स इसमें हैं uh, सभी सब्जेक्ट्स नहीं मैम जैसा uh, मैंने बताया हुँ. इसमें uh, चार सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट तो हमारे पास चार मैथ साइंस सोशल साइंस एंड इंग्लिश और अगर हम इसकी बात करें कि अगर हमें कोई अनदर लैंग्वेज लर्न करनी है तो हमारे पास एक अनदर ऑप्शन है स्पेनिश स्पेनिश का तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट की बात करें जैसे आपने बताया कि टेस्ट यहाँ पे बच्चे ले सकते हैं और अगर किसी स्टूडेंट को 90 प्लस स्कोर करना है तो कितने क्वेश्चंस का सही जवाब देना पड़ेगा? एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो वो अटैम्प्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग इनका वेटेज है कि अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन दस नंबर का होगा फर्स्ट क्वेश्चन में भी की पांच नंबर का भी हो सकता है और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन वो हमारा कि वो हमारा फिफ्टीन नंबर का भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू लेवल तो इसमें हमारे पास आ, काफी सारे लेवल के अकॉर्डिंग हमारे पास आ, questions questions के वेटेज है ओके yeah. okay. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हर क्वेश्चन जो है वो दस नंबर का होगा वो वेरी कर सकता है yeah. जी अगर हम यहाँ पे आपसे जानना चाहें आई एक्सेल के बेनिफिट्स के बारे में कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो अपने मैथ्स और इंग्लिश स्किल्स को एनहांस करना चाहता है तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो इस टूल के माध्यम से हमारे सभी स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं Uh, इसमें फर्स्ट तो वही है कि जैसे कि अब मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में हमारे पास अब बच्चे को अब मेरे को ग्राफ पढ़ाना है या बच्चे को ग्राफ को पढ़ना है तो इसमें वो जा के ग्राफ पे जा के आराम से उसको ना तो बाहर से ग्राफ पेपर की ज़रूरत है ना उसे पेन की ना स्केल की है ना वो इसमें जा आराम से अपना ग्राफ की प्रैक्टिस कर सकता है जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर हमारे पास जैसे ग्राफ इनइलिटी है हम इधर जाते हैं तो इसमें हमारे पास एक ग्राफ है एंड देन इसकी इन अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है अब मुझे नहीं आता मान लो कि अब मैं भूल रही हूँ कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स अब मेरा कौन सा पार्ट है या मैं इसे कैसे ड्रॉ करूँ तो वही सेम मैं इधर जाके एग्जाम्पल के थ्रू लर्न कर सकती हूँ और इधर हमारे पास वीडियो का ऑप्शन भी है यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है कि हमारे पास इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जिसके लिए हमारे पास वीडियो भी अवेलेबल तो है तो वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिखाया जाएगा या, इस या, okay. इसमें आ, एक एडुकेटर है जो आपको दिखाएगा कि हाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए और ये हमारे पास पूरा एक पैटर्न है जिसके थ्रू हम इसे सॉल्व होते हुए देख सकते हैं तो उसके थ्रू नहीं तो अगर हमें एनहेंस करनी है अपनी लैंग्वेज वो लर्निंग तो हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू भी हम रिकॉल कर सकते हैं एंड uh, हम इसे प्लॉट करना चाहें तो बैक टू प्रैक्टिस केन यहाँ गए ग्रेटर देन है तो हमारा यहाँ तक जाएगा And then submit. So, oh, sorry, हमारा था minus six, और आई थिंक मैंने गलत आंसर कर दिया है तो वही है कि अगर मैंने गलत आंसर किया है तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हमारे पास सॉल्यूशन भी अवेलेबल है ची. तो अगर हम आई एक्सएल के बारे में जानना चाहें क्वेश्चंस के बारे में आपने बीच में कहीं पे कहा था स्टार्टिंग में कहा था कि 10 इसमें जो है एक स्टूडेंट कर सकता है तो इज देर लिमिट फॉर क्वेश्चन या इसमें वैसे तो दस के क्वेश्चन की लिमिट है बट हाँ इसमें यह है कि अगर सिर्फ मुझे लर्न करना है मुझे अपनी स्किल को अगर जज करना है या अपनी स्किल को देखना है कि मेरा लेवल क्या है या मैं कितना लर्न कर पाया हूँ तब तो ये हाँ थोड़ा सा है कि हमारे पास सिर्फ दस क्वेश्चन का ऑप्शन है बट अगर मुझे सिर्फ लर्न करने की है तो जैसे मैंने आपको बताया स्पेनिश वाले में स्पेनिश वाले में मैं इसमें खूब लर्न कर सकती हूँ मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं पता कि ज़ीरो टू टेन नंबर्स को कैसे बोलते हैं कैसे लिखते हैं तो इधर एल्फ़ाबैट बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेट के लिए अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं यहाँ से सीख भी सकती हूँ इन्होंने सिर्फ एक ही जो हमारे पास क्वेश्चन है उसी के ही आंसर नहीं दिए हैं इन्होंने इन जनरल हमारे पास ए टू जेड यहाँ पर आप देखेंगे ए टू जेड तक के लिए इन्होंने हमारे पास लिखा है कि ए टू जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्या लिखते हैं कैसे बोलते हैं विद yeah, साउंड तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हाँ हमें कुछ भी लर्न करना है लर्न करने के लिए बिल्कुल आपके लिए मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे सारे क्वेश्चन हैं और बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं कि जिससे हम बहुत अच्छे वे में इसे याद कर सकते हैं जी और ये क्योंकि ये एक यू एस बेस प्रोग्राम है ये इंडिया में अवेलेबल है आपने बताया था कि इसमें इंडिया अपनी कंट्री हम ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है या। तो या, क्या इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही है इसे इंग्लिश में ही यूज किया जा सकता है या ये ही है कि आ, इसमें जो भी कॉन्टेंट है वो सारा हमारे पास इंग्लिश में ही अवेलेबल है होप कि इसमें हिंदी भी आए और इंक्लूड हो जी तो ये तो बात हुई लैंग्वेज की और अभी भी हमारे पास दो मिनट के समय और है कुछ ऐसी बात जो आप आई एक्सएल के बारे में हमारे सभी लर्नर्स को बताना चाहें दैट दे कैन इम्प्रूव एंड एनहानस देयर स्किल्स आ, ये हम गूगल क्लासरूम जो है हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे टीचर्स जो हैं वो इसको अपनी क्लासरूम में या जैसे ऑनलाइन टीचिंग कोरोना में बहुत सारे टाइम पे हमारे पास क्या हुआ था हमने ऑनलाइन टीचिंग की थी तो ऑनलाइन टीचिंग में हम क्या कर सकते हैं गूगल क्लासरूम के जरिए भी हम इसमें बच्चे को क्वेश्चन दे सकते हैं या हम उन्हें ये कह सकते हैं कि आपको डेली के दस क्वेश्चन हैं और अपना सर्टिफिकेट आपको हमें इधर पब्लिश करना है या बच्चे एटलीस्ट इससे एक ये हो सकता है कि बच्चे को अगर कुछ भी करने के लिए नहीं है तो उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ना उसे पेन की जरूरत है ना पेंसिल की वो सिंपल जाके मम्मी का फ़ोन ले एंड सिंपल आई टाइप करे दस क्वेश्चन करके मैम को सबमिट कर दे कि हाँ आज मैंने ये दस क्वेश्चन है मैंने याद किए हैं मैंने प्रिपेयर किए हैं और इससे यह है कि हाँ बच्चे को थोड़ा सा अपने आप में ही मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वो कर रहा है कुछ तो लर्न कर ही रहा है एटलीस्ट तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि मम्मी का फोन ले सकते हैं तो फोन के अलावा लैपटॉप और डेस्कटॉप सब में ये या ये हमारे पास फोन लैपटॉप डेस्कटॉप और इवन किंडल का भी जो टैबलेट होता है ये उस पर भी वर्क करता है इसीलिए ऐसा है कि अगर बच्चों के पास कोई फ़ोन नहीं दे रहे मम्मी नहीं देती फ़ोन की भाई ये और मतलब गेम में लट जाएगा या कुछ तो हम किंडल ऐप वाला दे सकते हैं बिकॉज उसमें कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं होते कि आ, बच्चा उसमें कुछ और कहीं गेम में लट जाएगा तो वो एक अच्छा है कि हम उसमें आई एक्सएल डाउनलोड करके बच्चे को दे दें और उसमें बच्चा क्या करे उसमें अपनी लर्निंग कर सकता है तो उससे एक मम्मी और पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिट है कि पेरेंट्स जो है वो एक अपना ये रखेंगे कि हाँ बच्चा किसी और गलत काम नहीं कर रहा या गेम नहीं खेल रहा वो उन्हें ये वहाँ संतुष्टि रहेगी कि हाँ वो अपना आई मतलब कुछ लर्न ही कर रहा है चाहे वो किंडल के थ्रू करे किंडल में भी हमारे पास कंटेंट स्टोरी बच्चा रीड कर सकता है अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है और अगर वो नहीं तो वो हा आई एक्सएल तो कर ही रहा है मतलब कुछ अपनी पढ़ाई कर रहा है जी यानी कि बच्चा इंगेज है स्टूडेंट इंगेज है वो अपनी लर्निंग कर रहा है हाउ सम हाउ ही और अभी फिलहाल हमें समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा वी वी हैव टू रैप अप दिस सेशन ओनली एज आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम पर उसे जाने से पहले हम मोनिका आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोनिका जी कि आप स्टूडियो आए और आपने आई एक्सएल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे सभी व्यूवर्स को सभी स्टूडेंट्स को आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे सभी स्टूडेंट्स बहुत ही बेनिफिशियल सेशन रहा होगा उन सभी के लिए और इससे पहले कि मैं ये सेशन यहाँ पे वाइंड अप करूँ लेट मी शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल रिगार्डिंग इंडियाज टी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20s leaders summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family, with that very important piece of information, me, Renu is taking your leave but you stay tuned to evidya channels for more informative program our next session is Sahyog Jabarham mental well being pe and we try to provide them psychosocial support as well. So stay with us. me Mirenbhat is taking your leave. Namaskar